आज की क्लास में हम स्ट्रिंग का पैटर्न है, स्ट्रिंग पैटर्न वन सीखने जा रहे हैं। तो जनरेट क्वेश्चन है कि जनरेट द फ्लोइंग पैटर्न। शुरू में एन आएगा एक ठो कैरेक्टर, उसके बाद एन ई दो ठो कैरेक्टर आएगा, उसके बाद एन ई पी, उसके बाद एन ई पी ए, उसके बाद एन ई पी एल। तो कोई भी प्रॉब्लम है, मानकर चलिए कोई भी पैटर्न है, जैसे कि एक स्ट्रिंग नेपाल है, नेपाल है ना एक स्ट्रिंग, तो इसमें क्या कैसे आउटपुट आना चाहिए? शुरू में एन, उसके बाद एन ई, उसके बाद एन ई पी, उसके बाद एन ई पी ए, उसके बाद एन ई पी एल, ऐसे पैटर्न आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कोडिंग लिखते हैं। तो सेम नाम को अगर हम yes pattern 11.bas, ये क्यू बेसिक का एक्सटेंशन फाइल है, तो हमने प्रोग्राम का नाम ये रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम है सीएलएस से शुरू होता है, एक स्ट्रिंग लेंगे इनपुट। इधर नेपाल है तो कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है ना, वो इंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हम ले लेंगे, सेमी कॉलन देना, उसके बाद मानकर चलिए उसको हम एस स्ट्रिंग में सेव करते हैं। और एक लूप चलाएंगे फोर आई इक्वल टू एक से शुरू करेंगे टू एलियन और उसके बाद स्ट्रिंग यस डॉलर, उसके बाद क्या करेंगे प्रिंट करेंगे प्रिंट, उसके बाद लेफ्ट डॉलर एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, लेफ्ट डॉलर लेफ्ट से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग है एस डॉलर देन आई, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आई करेंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। सो इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग इसको लाइनिंग कर देते हैं, लाइन ऑफ कोड टू अंडरस्टैंड बेटर वे फॉर प्रोग्राम 4, 5, 6। सो हाउ मेनी लाइन्स इन दिस प्रोग्राम, देर आर 6 लाइन इन दिस प्रोग्राम्स। नाउ वी इलस्ट्रेट दिस प्रोग्राम डिटेल्स। सो शुरू में क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हम लेंगे उसको एस डॉलर में रखेंगे। तो एस डॉलर में क्या है, मानकर चलिए हम स्ट्रिंग को नेपाल करते हैं। स्ट्रिंग में क्या रखा है, इनपुट में हम क्या किया एस डॉलर में नेपाल रख दिया। तो ये जो है कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, है ना, 1 2 एन ई पी ए एल एन ई पी ए एल। तो एस डॉलर में कौन सा स्ट्रिंग है नेपाल, इंटर एन स्ट्रिंग हमने एस डॉलर में नेपाल लिया, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। उसके बाद वन नंबर लाइन एक्सक्यूट है, जितने भी प्रोग्राम है क्यू बेसिक में हो अथवा C++, जितने भी प्रोग्राम है एक मेन ब्लॉक से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो इसका प्रोग्राम कहाँ से शुरू है, CLS 1 से 2 में आया, इनपुट इंटर एनी स्ट्रिंग बोला, उसके बाद S डॉलर में हम क्या रखा नेपाल रखा। अब ये थ्री नंबर लाइन से क्या है, लूप स्टार्टिंग होता है। तो कहाँ से शुरू है, 1 से कहाँ तक जाना है, लेन S डॉलर। ये लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका काम क्या है, इसमें कितने ओटे कैरेक्टर है 1 2 3 4 5, तो ये लूप कितने चलेंगे 1 2 5 चलेंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेन, इट फाइंड द लेंथ ऑफ कैरेक्टर, हाउ मेनी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। नाउ सो वी अंडरस्टैंड दिस बाय डिटेल्स, I then I to 1 to len, len means what, how many character are there 1 2 3 4 5, so this loop continues work 1 to
फाइव सॉरी तो सबसे पहले क्या होगा कि आई का जो वैल्यू है मानकर चलिए आई का वैल्यू कितना है अभी वन ठीक है उसके बाद आई टू फाइव तो क्या हुआ थ्री नंबर लाइन में अच्छे से थोड़ा अच्छे से समझिएगा वन हुआ वन टू कितना होगा वन टू फाइव तो इसका मतलब क्या है कि वन लेस देन इक्वल टू फाइव इक्वल नहीं है बट ये लेस है तो ये कंडीशन जब ये थ्री नंबर का कंडीशन ट्रू होगा तब फोर नंबर लाइन एक्सक्यूट होगा जब ये थ्री नंबर का लूप जब तक ये ठीक रहेगा कंडीशन ठीक रहेगा तब तक क्या करेगा फोर नंबर लाइन प्रिंट होते रहेंगे जब ये लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट आई के नीचे आकर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो ये कंडीशन ठीक लगा है ना तो प्रिंट कर रहा है और हम यहां पर आउटपुट लिखते हैं यहां पर आउटपुट तो प्रिंट अब क्या करते हैं आउटपुट के लिए भी हम देखिए लेफ्ट डॉलर अब इसको हम इधर समझते हैं लेफ्ट डॉलर एस स्ट्रिंग में कितना है नेपाल उसके बाद आई का वैल्यू कितना है देखिए अच्छे से समझिए आई का वैल्यू कितना है वन तो इधर वन आ जाएगा तो इसको प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट का मतलब क्या है आउटपुट में डिस्प्ले हो जाना इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे ये समझने के बाद तो लेफ्ट डॉलर और देखिए ये लाइन चार नंबर लाइन अच्छे से समझिए प्रिंट करेगा लेफ्ट डॉलर एस डॉलर एस डॉलर में कितना रखा हुआ है नेपाल उसके बाद आई का वैल्यू कितना है देखिए ये आई है नोट वन आई का वैल्यू कितना है वन है तो वन इसका लेफ्ट डॉलर का काम क्या है इस स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से कौन साइड से लेफ्ट साइड से इधर से एक कोटा एक कैरेक्टर क्या करना है स्टैट कर लेना है और उसको क्या करना है प्रिंट कर देना है तो लेफ्ट साइड से एन ई पी ए एल का लेफ्ट साइड इधर से हुआ तो इधर से वन कैरेक्टर जो एन है इसको क्या करेगा प्रिंट कर देगा प्रिंट कर दिया है ना तो देखिए ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट आई के नीचे नहीं आएगा बट इधर तो आएगा ना तो प्रिंट के बाद सेमी कॉलन दिया हुआ है इधर नहीं तो इसका मतलब हुआ कि इसमें ऑटोमेटिक न्यू लाइन आ जाएगा शुरू में एन प्रिंट किया उसके बाद नीचे आ गया कंट्रोल अगर हम सेमी कॉलन देता तो क्या होता ये एक ही लाइन में फिर दूसरा कैरेक्टर भी लेकर दो कैरेक्टर को प्रिंट करता लेकिन प्रिंट लेफ्ट डॉलर यहां पर सेमी कॉलन नहीं है इसीलिए क्या करता है ये जो प्रिंट के नीचे कुछ भी लाइन नहीं है इसका मतलब क्या है एक प्रिंट कर दिया एन और नीचे आ गया नीचे आने के बाद फाइव फिफ्थ लाइन में आया तो फिफ्थ लाइन में आकर नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये लूप अभी ट्रू है ये कंडीशन अभी क्या है ट्रू है तो अब क्या होगा नेक्स्ट आई का मतलब है देखिए आई का वैल्यू कितना था वन तो आई इक्वल टू नेक्स्ट आई का मतलब है आई प्लस वन ऑटोमेटिक तो आई का वैल्यू वन है वन था उसके बाद वन प्लस वन कितना हो गया आई का वैल्यू टू हो गया नेक्स्ट आई करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया टू दो हो गया और देखिए टू टू कितना होगा फाइव टू लेस देन इक्वल टू फाइव ये भी ठीक है तो अगर थ्री नंबर लाइन ठीक है तो फिर कहाँ जाएगा कंट्रोल फोर में जाएगा है ना तो फोर में जाने के बाद फिर वैसे ही प्रिंट करेगा तो अब क्या है सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आई का वैल्यू कितना था वन तो एक कैरेक्टर लिया था इसमें से वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में कितना हुआ आई का वैल्यू दो हो गया टू अगर दो हो गया इसका मतलब क्या है देखिए अच्छे से समझिए प्रिंट का इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर को प्रिंट कर देना लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर को प्रिंट कर देना तो उसके नीचे है ना इसके नीचे एन ई दो कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया फिर नीचे आ गया नीचे अब ये लूप क्या है क्लोज नहीं हुआ है तो फिर क्या करेगा ये ऊपर जाएगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री थ्री टू फाइव ये भी ठीक है थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव अगर ठीक है तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा
इसका वैल्यू I, देखिए उधर I का वैल्यू है, अपडेट हो रहा है, तो I का वैल्यू कितना हुआ 3। इसका अब क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो लेफ्ट साइड से क्या है, 3 कैरेक्टर इसने प्रिंट कर देगा, 3 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से। तो फिर यहां पर क्या होगा, यानी P हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करने के बाद ये सेमी कॉलन है तो नया लाइन आएगा, है ना, नेक्स्ट के ऊपर, तो न्यू लाइन आ गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आई, अब कब तक चलेगा नेक्स्ट आई होगा, जब तक ये 3 कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आई का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 to 5, दैट मीन्स 4 less than equal to 5, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो यहां पर देखिए फिर 4 नंबर लाइन में प्रिंट करने जाएगा, तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, आई को वैल्यू। इधर से देखिए आई को वैल्यू अपडेट हो रहा है 4। तो अब क्या है कि लेफ्ट साइड से चार ठो कैरेक्टर क्या है, एक्सट्रैक्ट करेगा ये लेफ्ट डॉलर ने, तो क्या हो जाएगा, 4 कैरेक्टर को यहां पर प्रिंट कर देगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा, यानी PA। उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे आकर नेक्स्ट आई हो जाएगा, तो नेक्स्ट आई का मतलब है फिर 5 से कहां चला जाएगा, 3 नंबर लाइन में। तो 3 नंबर लाइन में जाने के बाद आई का वैल्यू 4 था, अब क्या हो गया 5, तो 5 to 5, दैट मींस 5 less than equal to 5। 5 लेस देन नहीं है बट इक्वल तो है ना। तो अब क्या होगा, फिर ये ठीक हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद नीचे आएगा, तो नीचे फिर क्या होगा, आई का वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट डॉलर क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो 5 कैरेक्टर क्या है, NEPAL, नेपाल। तो देखिए शुरू में क्या था, समझ रहे हैं ना। और देखिए अब क्या होगा, नीचे आएगा, नेक्स्ट आई का मतलब 6 हो जाएगा, तो 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये नहीं लेस भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, यहां पर जाकर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। अगर 3 नंबर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो 5th के जस्ट नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट आई होगा 6 हो जाएगा, जब फॉल्स होगा ना तो नेक्स्ट आई के जस्ट नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इतने हैं। तो शुरू में क्या करता है, अब इसको हम ब्रीफ करते हैं, जब आई को वैल्यू 1 होता है ना, इधर से अब इधर भी हम रिलेट कर सकते हैं, सेम बात है। तो जब 1 हुआ था तो लेफ्ट डॉलर क्या कर, जब यहां पर 1 है तो लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, नीचे आएगा। जब 2 होगा इसका वैल्यू, जब 2 होगा आई का वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 2। तो लेफ्ट डॉलर क्या करेगा, इसमें से 2 कैरेक्टर को, फर्स्ट 2 कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, NE, फर्स्ट 2 कैरेक्टर। जब 3 होगा तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर को, इधर से लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। जब 4 होगा, यहां पर 4 होगा, तो लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, फिर नीचे आएगा। जब यहां पर 5 होगा तो 5 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और जब 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं इस प्रोग्राम को। अब क्या करते हैं, हम इसको लैपटॉप में इसको रन कर देखते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम को सब प्रोसीडर फंक्शन यूज कर हम इसको सॉल्व करेंगे।